अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। कोफ्ते हम भरे हुए भी बनाएंगे और अंडे वाले यानी नरगिसी कोफ्ते भी। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है चिकन का हाथ का कीमा 1 किलो, और इसमें जो शामिल होंगे ये लौंगे, कुटी मिर्च। लौंगे जो हैं 1 टीस्पून है, कुटी मिर्च 2 टीस्पून, खशखश 2 टेबल स्पून, नमक जो है 2 टीस्पून, चने जो है 3 टेबल स्पून, और लाल इलायची 3 से 4 अदद, और दालचीनी भी 3 से 4 अदद टुकड़े ले लें। काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, और इसमें जो हरा मसाला जाएगा उसमें है ये थोड़ा तकरीबन आधा गड्डी के करीब पुदीना, हरा धनिया, 1 अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें और प्याज। ये इसके साथ हम कीमे के साथ चॉप करेंगे, जो अब आगे हम इसको आप बताते रहेंगे। ये 1 किलो चिकन के कीमे में हमने ये आधी प्याज और 3-4 टुकड़े अदरक के लिए हैं, ये हम कीमे के साथ बारीक चॉप कर लेंगे। इससे कोफ्ते बहुत नरम बनेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। अब ये कीमे में हमने प्याज और अदरक डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और ये सारा गरम मसाला, चने, खशखश ये भी हमने पीस लिया है चॉपर में। अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये हरा मसाला ये हम इसमें आधा शामिल कर देंगे, आधा हम कोफ्ते भरने में इस्तेमाल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। मसाला बचाया था ये हम कोफ्तों के अंदर भर के बनाएंगे। आधे हम अंडे वाले बनाएंगे जिसे नरगिसी कोफ्ते कहते हैं, और आधे हम भरे हुए बनाएंगे। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमें 4 अदद टमाटर और ये 2 मीडियम साइज की प्याजे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने 2 से 2.5 पल्ली ऑयल डाला है, और इसमें ये थोड़ी सी प्याज लाल करेंगे। ये प्याज लाल हो गई है, इसमें हम ये टमाटर और प्याज हमने पिसी हुई प्याज और टमाटर शामिल कर दिए ऑयल में। अब इसमें हम 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। एक और आधा हल्दी पाउडर डालेंगे। तकरीबन 3 चम्मच पिसा धनिया डालेंगे। और ये 2 चम्मच नमक का शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसाला भून जाएगा फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे। इस मसाले में हम आलू शामिल करेंगे। हमारे घर में बच्चे सब कोफ्तों के साथ आलू बहुत पसंद करते हैं, अगर आप लोग ना डालना चाहें तो ना डालें।
अच्छे से भून गया है और तकरीबन आलू भी गल गए हैं। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्तों में हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको पकड़ के आराम आराम से हिलाएंगे ताकि सारे कोफ्ते थोड़े सख्त हो जाएं। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। कोफ्ते हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हम 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। कोफ्तों में हमने 3 कप शामिल कर दिया पानी। ये देखिए कितने बेहतरीन कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं। चिकन के कोफ्ते ना टूटेंगे और ना ये खुलेंगे, क्योंकि इसमें हमने चने, खसखस और प्याज का इस्तेमाल करा है।